हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है वो परफेक्ट नहीं आता है, और आप क्या क्या यूज़ करते हो, क्या नहीं, कौन सा नेब यूज़ करते हो, कौन सा कलर यूज़ करते हो जो आपका इतना स्ट्रेट लाइन क्लियर आता है। तो मैं इस वीडियो में सारे बताने वाली हूँ कि स्ट्रेट लाइन को क्लियर कैसे करें। और इसमें तीन चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका कपड़ा, आप क्या यूज़ कर, स्केल, नीब, पेंसिल, मीडियम, कलर, ये सब इसमें यूज होते हैं। क्लिप है मेरे पास, आप देख रहे हो जैसे। तो आज मैं आपको सारे बारी बारी से बताने वाली हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ और स्ट्रेट लाइन परफेक्ट कैसे बनाए। तो आप देखिए, ये मेरे पास नीब है। मैं बार बार सारे वीडियो में बताती हूँ कि मैं, सब बोलते हैं होल्डर आप कैसे बनाते हो, होल्डर नहीं है ये पुराना पेन जो होता है खाली वाले, मैं उसका कवर यूज़ करती हूँ। और ये क्लिप है, कपड़ा स्ट्रेच कर रहा है तो आप इसको, या हिल डुल रहा है तो इसके लिए। और ये कलर मैंने छोटे सीसी में लिया है, ये छोटे सीसी में भी मिलता है, मैं बड़े डब्बा यूज़ करती हूँ इसमें निकाल निकाल के। तो मैं मिक्स करना भी आपको बता रही हूँ कि ये मिक्स कैसे होते हैं। आप इसको छोटे सीसी मार्केट से परचेस भी कर सकते हो, मिलता है ये। तो देखिए कलर को मिक्स कैसे करते हैं, पहले वो देख लीजिए, क्योंकि कलर आपका नहीं चल रहा है तो मेन प्रॉब्लम कलर का भी होता है। कलर सेट नहीं है सही से, कपड़े के अकॉर्डिंग कलर सेट नहीं है तो नहीं चलेंगे। तो पहले आप देख लो कि कलर्स को मिक्स कैसे करते हैं। मैंने कलर थोड़ा सा लिया, पूरा सीसी मत भर देना है, बस थोड़ा आधा लेना है ताकि उसमें मीडियम मिक्स कर सके। और पार्ट में देखिए, मैंने इसमें कुछ बूंदे मीडियम के मिक्स किया है। अब इसको टाइटली बंद करेंगे, छोटे वाले सीसी को टाइटली बंद करेंगे। यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखें कि ढक्कन बंद करने के बाद सीधे डायरेक्टली इसको हाथ में लेके सेक नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा। आप देख सकते हो, इसको डायरेक्टली हाथ में लेके नहीं सेक करना है। एक आप हैंकी ले लो, पुराने वाले जो नहीं यूज हो रहे हैं वो वाले हैंकी ले लो, फिर उसमें इसको बंद कर दो। बंद करके फिर कम से कम एक मिनट तक इसको सेक करना है। देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ 1 मिनट तक। और हाँ, फिर जस्ट इसको ओपन नहीं करना है। आप सेक किए, जस्ट ओपन करोगे पूरा स्प्रेड हो जाएगा। आप देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ खुल, देखिए पूरे ढक्कन से ये लीक करके स्प्रेड हो रहा है। आप दो एक मिनट के लिए साइड में इसको रख दो, फिर खोलो। देखिए तो यहाँ मैं कलर तैयार कर ली हूँ, आप देख रहे हो। जैसे कलर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। गाढ़ा रहेगा फिर आपके नीब से ये जो है गिरेंगे ही नहीं कपड़े पे, और अगर पतला हो गया तो ये पूरा स्प्रेड हो जाएंगे। तो कलर का मेन यहाँ जो टेक्निक है, कलर का ही खेल है। कलर अगर प्रॉपर सेट नहीं है कपड़े के अकॉर्डिंग तो आपका जो है वो ठीक से नीब नहीं काम करेगा। दूसरा, नीब भी सही होना चाहिए। नीब भी सही नहीं रहता है उससे भी कलर नहीं अच्छे से गिरता है। तो मैंने यहाँ पे कॉटन का वाइट दुपट्टा लिया है, आप देख सकते हो ये कॉटन है। इस पर मैं आपको चला के दिखाऊंगी स्ट्रेट लाइन। कलर सेट है फर्स्ट, दूसरा नीब सेट है, और तीसरा अगर आपका कपड़ा हिल डुल रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, आप क्लिप का यूज़ करो। देखिए कपड़ा हिल रहा है तो आप ये क्लिप का यूज़ कर सकते हो, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएंगे आपको। देखिए मैंने दोनों साइड से इसको फिक्स कर लिया है। नीब जो है ना नहीं चलने का ये भी होता है, कपड़ा हिल डुल रहा है या स्ट्रेच कर रहा है उस वजह से भी नीब नहीं चलता है कभी कभी। तो आप कपड़े को भी सेट कर लो थोड़ा सा क्लिप लगा के, फिर आप यूज़ करो। अब मैं आपको इस पर स्ट्रेट लाइन बता देती हूँ। इससे पहले मैं एक और बात बताती हूँ, अगर आप न्यू हो तो डायरेक्टली मत कलर यूज़ करो। पहले आप एक स्केल और पेंसिल की मदद से आप पहले पेंसिल कर लो थोड़ा सा, जो भी जैसा भी आपको लाइन बनाना है, बॉर्डर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप पेंसिल कर लो, फिर आप उस पर कलर चढ़ाओ। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिप किया है,
और हाँ मेन जो है आप स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो तो हाथ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप ऐसे खड़े कर रहे हो, ये ऐसे कर रहे हो, नींव को सीधा चला रहे हो, इस तरह से नहीं होगा। हाथ भी साथ साथ में आपके नींव के साथ आपका हाथ भी पीछे जाना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पे हाथ रखे हुए हैं और नींव खिसका रहे, नहीं, हाथ और नींव एक ही डायरेक्शन में नीचे जाएंगे। देखिए आप मुझे देख सकते हो कि मैं हाथ को कैसे नीचे ले जा रही हूँ, देखिए कितना इजीली हो रहा है। देखिए बोलते हैं, व्यूअर्स बोलते हैं कि मेरे छोटे छोटे लाइंस आते हैं, आपके लंबे लंबे लाइंस क्लियर आते हैं, मेरे नहीं आते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो हथेली का है, आपका हाथ सही डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है नींव के साथ, तो आपका लाइंस क्लियर नहीं नहीं आएंगे। आप देख लो, देखिए तो ये वीडियो में मैंने आप बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि स्ट्रेट लाइन कैसे सही आए। आप देख सकते हो मैं खींच के भी दिखा रही हूँ। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और हाँ कुछ जानना है तो वो भी मुझे बताइए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।